बाद में भेज रहा है, भेज चल रहा है और हरिबोल पालन कर। ओम ज्ञात विराम दस्य ज्ञानाय चला गया चक्षुर लुलितम मुझे न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासनी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म दितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधवंति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म दितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधवंति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाशक्ति प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। श्री प्रभु जी का नाम क्या है? ललित कृष्ण प्रभु जी के घर में ऐसा भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो रही है, घर में हरि चर्चा हो रही है, इसलिए सबसे जो बढ़िया दिन है बोले आयुर हरति वही पुरुषान उत्तर अस्तो तस्ते जम खीत उत्तम श्लोक वार्ता है। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, ये जो सूरज नहीं ये काल है, ये सबका परमात्मा हरण करना है। हम कोई बड़े नहीं हो रहे, सबके सब छोटे हो रहे हैं, हमारे धीरे 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 परमात्मा हमारी नष्ट होती जा रही है, लेकिन सबका परमात्मा तो नष्ट होती जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का परमात्मा नष्ट नहीं होता। बोले किसके? बोले तस्ते जम खेण मंदी, जितने समय भगवान की कथा में हरि कीर्तन हरि चर्चा में जितने समय हमारी व्यतीत होती है, उतना समय ही हमारा नष्ट नहीं होता है और सबका नष्ट हो रहा है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नेह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस धर्मस्य त्रायते महत्वया। कहते हैं अर्जुन अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी कर ले, मेरे लिए कोई स्वल्प मतलब थोड़ी सी मेरे लिए कर लेना, बस उसको मैं ये भवसागर से पार कर लेता हूँ। थोड़ी सी अगर मेरे लिए अनजान में, आपको पता ही नहीं कि भक्ति भक्ति होती ही क्या, लेकिन कहीं अनजान में कहीं सत्संग में बैठ गए, अनजान में ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, अनजान में ठाकुर को परिक्रमा कर लिया, अनजान में कहीं ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, अनजान में भी कर लो, आपको पता नहीं। जैसे अग्नि है, अगर किसी बच्चा बोलेगा अग्नि, बच्चे को पता नहीं है आग क्या होता है, अगर बच्चा अगर आग में हाथ लगाएगा तो अग्नि छोड़ देंगे और जलाएगा, बच्चों को पता नहीं है जहर है, आपको पता नहीं है जहर है। अनजान में हमारे देश में सोरिस तेल देख रहे ना, बुलबुना खाते है, एक व्यक्ति को पता नहीं था, उसने सवेरे सवेरे काम है ना खेती में जहर देते हैं बोतल में रखते हैं, पता नहीं था सोचा सोरिस तेल है, उसको मुड़मुड़ा में डाले और खा लिया, बस राम नाम सत्य हो गया। इसलिए कहते अनजान में भी एक वस्तु शक्ति है, अनजान में भी अगर प्रभु की भक्ति भजन कोई कर लिया उसका भी कल्याण ठाकुर जी कर लेते हैं, अनजान में कोई कर लो। इसलिए एक छोटी सी कथा सुनो, अनजान में भागवत कथा में बैठी गई, बोले कोई एक फेरी वाला था, वो फेरी का काम करते करते गांव से बड़े दूर तक चला गया, सोचा वापस तो आज जा नहीं सकता गाँव में, इसी गाँव में रुक जाता हूँ, कल से फिर अपना बिजनेस करूंगा। पूछा भैया गांव में कहीं रुकने का व्यवस्था है? हाँ यार ठाकुर जी के मंदिर है, वहीं पर विश्राम कर सकते हो। जब वहां विश्राम करने के लिए गया, गांव का नियम है शाम को सारे लोग इकट्ठे होते थे, पहले टीवी इंटरनेट मोबाइल पर बुझाए नहीं, लोग क्या करते थे समय को प्रभु को भजन में लगाते थे, बैठ करके हरी चर्चा हरी कीर्तन करते थे, लेकिन अभी
समय मिले तो पास टीवी खोल कर बैठ जाओ, उल्टा पुलटा देखते रहो, सारा दुनिया को बुद्धि खराब करो है। इसलिए गांव में हरि चर्चा हरि कीर्तन होती थी। जब वो सोने जा रहा था ना, गांव के सब व्यक्ति आ गए ढोलकी मजरा लेकर के, हरि कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, हरि कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, हरे Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare. वो तो सोने जा रहा था, बोली आपत्ति कहाँ से आ गया, कोई काम था मैंने मजरा ढोल के लिए हरे कृष्ण करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सब कर रहे हैं मजबूर में, उसको भी ताली बजाते दूसरा करना, देखा है कि बाबा ने भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की मीठी मीठी कथा सुनाना शुरू कर दे। कैसे कृष्ण घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं। एक दिन गोपियां सोच रही हैं, भैया ये कन्या को तो पकड़ में नहीं आता, किसी तरह से पकड़ नहीं आता, कैसे पता नहीं कब आता कब चला जाता, अभी पता नहीं चल रहा है। आज एक फांद रचेंगे कैसे पकड़ेंगे, बोले कैसे, बोले छिके को ऊपर बना एक बैल घड़ी, इसमें एक घंटा लटका दो, जब चोरी करने के लिए आएगा उसमें ठंड 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 आवाज होगी, फिर पता चला गया हम पकड़ेंगे। कृष्ण आकर के देखा, बोले भैया ये क्या बात है, वो समझ गए मेरे को बांधने के लिए मेरे को पकड़ने के लिए फांद रहे थे। कृष्ण ने कहा भैया बैल ये बता तू कौन हो, बोले मैं आपका दास हूँ, बोले मैं कौन हूँ, बोले आप मेरे प्रभु हो, बोले बताओ दास का क्या कर्तव्य है, बोले प्रभु का आदेश पालन करना, बोले देख जब तक मैं मक्खन खाऊंगा बजना नहीं, जब मक्खन खाकर चला जाओ ना फिर बजना, बोले ठीक है प्रभु। कृष्ण मटकी उतारे, जब मक्खन खाना शुरू किया अपने आप बैल बज पड़ी, बोले ए क्या कर रहे हो तो बज रहे क्यों, बोले प्रभु आपको पता नहीं जब तक घंटी नहीं बजाता ना ठाकुर का सेवा भोग नहीं मिलता, इसलिए बजेगा अब आरोप रहे ना भोजन कर रहे हो तब तो मैं बज रहा हूँ। कृष्ण फटाफट मक्खन का और वहां से भाग गए। उस संत एक घंटा तक प्रभु की कथा सुनाए, बोले हे भगवान ये कहाँ से आ गया, फिर साधु बाबा हैं सोने ही नहीं थे, दीवार में से सहारा था करके सोचा कथा पता सुनकर तो कोई लाभ है नहीं, टाइम पास किस तरह से। ऐसे ही उन्होंने कथा कीर्तन में बैठा, एक घंटा बाद हम सब चले गए तो बोले भैया आपत गया अब सो गया। कुछ दिन बाद मृत्यु हुई, मृत्यु में जमदूत पकड़ करके ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका काफी बोलो कितना पाप और पुण्य, बोले महाराज कोई पुण्य किया ही नहीं तो झूठ मूठ बोल कर बिजनेस चलाया करता था, खाता पीता था मर गया, लेकिन भाई थोड़ी बहुत तो पुण्य भी होगा। बोले हाँ थोड़ी सी पुण्य है, कहीं भगवत मंदिर में हरि कीर्तन कथा हो रही थी, एक घंटा बैठ कर कथा सुना और हरि कीर्तन किया, इतना पुण्य। इतने में इसको सुनते ही बोले थे पहले पाप लोग ना पुण्य लोग, एक घंटा स्वर्ग मिलेगा, क्यों तुमने भक्ति से कथा नहीं सुनी, सुनी का कथा है लेकिन सोचा इसमें थोड़ी टाइम पास कर रहे किसी तरह से, इसमें तो कोई लाभ है, इसलिए भक्ति से सुनता था विशेष कोई फल मिलती, नरक तेरे को जाना पड़ेगा लेकिन एक घंटा के लिए स्वर्ग बताओ पहले क्या लोगे। सोचे मैंने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह, नरक तेरे जाना स्वर्ग एक घंटा घुमाता हूँ, बोले अब मेरे हमारे को स्वर्ग ले चलो। एक दूत को बोले इसको स्वर्ग घुमाकर एक घंटा बाद में वापस ले आना, जो उसको स्वर्ग में छुड़ा रहा वहां पर जो पहरेदार था बोले एक घंटा बाद में उसको हमें वापस दे जाना। उसने गया अंदर में, वो चकाचौंध देख देख देखते रह गया, बोले भगवान ये क्या है, क्या स्वप्न ना सचमुच से मैं कहीं स्थान में आ गया, रंभा उर्वशी मेनका क्या सुंदरी, वहां पर हीरे जवाहरात से सब जड़े हुए, लाइट नहीं मणि अपने आप आलोक हो रहा है, सुधर्मा सभा आलिजा पुष्प नंदन कानन, बोले ये कहां चला गया। एक घंटा बाद ले जाएंगे ना नरक ले जाएंगे, सुशांत घूम घाम करके देख लेता हूँ, देखा एक कोड़े में कोई जा ही नहीं रहे, बोले भैया इधर कोई जा नहीं क्यों रहे,
वो गया तो देखा वहां चतुष्ण बैठे और वहां पर भगवान वामन देव उपेत रहे, वहां पर भी कीर्तन सत्संग हो रहा था। उसको याद आया, अरे ये चित्रगुप्त तो बोल रहा था मैंने एक घंटा कहीं कथा सुनी तो एक घंटा स्वर्ग आया, यहाँ भी कथा हो रही, अगर यहाँ पर एक घंटा बैठ जाऊंगा तो मेरे को तो दो घंटा स्वर्ग हो जाएगा। उसने स्वर्ग भोग नहीं किया, सीधा सत्संग में बैठ गया। वो भी हरी बोल कर रहे थे, वो भी हरी बोल कर रहे थे, वो भी कीर्तन में झूम रहे थे, वो भी कीर्तन में झूम रहा था, कथा सुन रहे थे। अभी एक घंटा हो गया, वो देख रहा है एक घंटा बाद में तो पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन उसने देखा एक घंटा तो हो गया कोई आ ही नहीं रहा है। बोले भैया ये सत्संग का कोई असर पड़ रहा है, भैया यहाँ से तो उठना नहीं, उठेगा तो पकड़ ले जाएंगे, जम कर मैं बैठ गया भैया, उठना नहीं यहाँ से, बैठ गया। अभी जो ले गए थे जब तो बोले भैया हमारे आसाम में वापस दो, घंटा हो गया। उसने ढूंढा गया था कहीं मिला ही नहीं, बोले गया था ये गायब कहाँ हो गया। ढूंढते ढूंढते उस सबको पता है भक्ति तरह करते कोई जाते नहीं, वो स्वर्ग भोग करके खत्म हो गया वापस आ जाते हैं। वो ढूंढते ढूंढते जाकर देखा वो सत्संग में बैठा हुआ प्रभु की कथा सुन रहे हैं। देखो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं, कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे। अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए ना, जब तक आप कथा में बैठे हुए होगे, जब महाराज आपका तरफ में नजर डाल नहीं सकता है, नाश किसको उठा करके नहीं ले सकता, क्यों? भगवान की कथा में बैठे हो। हरी कथा मतलब क्या? हरी कथा है, बोले हरी कहाँ है, बोले हरी कथा में, हरी हर कहीं नहीं, बोले मत भक्ता जत्र गायत्र तत्र तिष्ठा में नारद। हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों का हृदय में नहीं, जहां पर मेरी कथा में वहीं पर रहता हूँ। इसलिए जब दूत स्वर्ग का दूत आए लेकिन वहां से वापस चला गया, बोले तो कथा में बैठा हुआ। बोले भैया उसको एक घंटा स्वर्ग क्यों लाए थे? बोले एक घंटा कहीं कथा सुना था। बोले उन्होंने तो स्वर्ग भोगाई, वो तो सीधा कथा में बैठा हुआ। भैया हमारी इतना हिम्मत नहीं, ठाकुर जी कथा से बीच से उसको उठा कर ले सकते, हम नहीं ला सकते। जब दूत देखी तो बड़ा चतुर निकला, सीधा कथा में बैठ गया, दो घंटा बैठ गया, लेकिन उसने देखा जब कोई आए नहीं लेने के लिए उठेगा क्या, और भी जम कर बैठ गया, पास कथा सुनने लग गया, कथा सुनने का फल किया। इसलिए भागवत ने बताया, बोले श्रीनताम से कृष्णम कथा पुन्ना श्रवण कीर्तन, के जगत में सबसे ज्यादा जो सुकृत पुण्य है भगवान की कथा है। बोले सुहृद सताम, उदाहरण देते हैं जैसे आपका घर में कोई आपका प्रिय कोई व्यक्ति आए, घर में कुर्सी लेकिन उसे धूल जमा हुआ, वो प्रिय अगर तुम्हारी कोई दोस्त होगा ना, वो बोलेगा नहीं दोस्त पहले से साफ कर बैठे, वो क्या करेगा अपना पकेट से रुमाल निकालेगा उसको साफ सुथरा करके बैठ जाएगा, कहते हमारे सबसे बड़ा प्रिय मित्र कौन है? बोले तुम्हें वो बता चल पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, ये जगत में हमारा कोई प्रिय नहीं है। कहते स्वजना दस्यु, इसको हम स्वजन कहते सो डाकू है, डाकू क्या करता है सब कुछ लूट लेता है, कहा हमें ठाकुर को प्रेम करनी चाहिए लेकिन हम ठाकुर को प्रेम नहीं करके दुनिया का प्रेम करके समय गए, ये दुनियादारी में प्रेम करते हुए संसार में तो कोई यही नहीं, ये झूठा संसार है, एक दिन संसार छोड़ना पड़ेगा, ये कल स्वार्थ का मतलब का संसार है। इसलिए हमारे सही बंधु कौन है? भगवान। जब हम कथा सुनेंगे ना, ये दोनों कानों से भगवान कथा के माध्यम से हृदय में जाते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई काम क्रोध लोभ हो, ठाकुर जी क्या करेंगे अपना रुमाल निकालेंगे और उसको साफ सुथरा करके हृदय में बैठ जाएंगे। इसलिए उसने कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया और ठाकुर जी उसका हृदय में बैठ गए, सारे पाप नष्ट हो गया, वैकुंठ से रह आया और बैठे सीधा भगवत धाम में चला गया। और ये जमदूत ले गए थे ना, खड़े 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 होते होते उसे वापस वैसे वापस चले जाए। देखो कृष्ण इसलिए कहते सल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायति महत भयात् हि अर्जुन, मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी भी अनजान में भी कर ले त्रायति महत भयात्, महत भयात मतलब कहते जन्म मृत्यु सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय क्या है, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते लेकिन मरना तो बढ़िया है, लेकिन ये महत भय से भगवान भक्ति ही हमें यहाँ से उधार कर सकता है। इसलिए समझो आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है।
ठाकुर की विशेष कृपा अति हरि कृपा जा पर होई पावत ही संगत सोई। शंकर जी कहते हैं पार्वती जब भगवान की डायरेक्ट कृपा जीव को हो तब जीवन में हरि चर्चा हरि कथा हरि के नाम में सुनने को मिलता है। इसलिए समझो हम बड़े भाग्यवान है, ठाकुर की हमारे ऊपर में बड़ी कृपा जो थोड़ी समय श्री राधे राधे प्रभु जी के घर में बैठ करके हम कीर्तन और हरि कथा बुला रहे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे हरि हरि बोल।